दो लोगों ने पेट भर के, गले तक पेट भर के खाना खाया, स्वादिष्ट खाना खाया, बिल हुआ, इनके पास तमाम वो नोट है जो यहाँ विजय लक्ष्मी में। हमारा अनुभव यह है, हम हैं विजय लक्ष्मी भवन जो कि एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और सुबह जय लक्ष्मी जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें रिकमेंड किया। हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़ गए हैं। हेलो, तो ये शाकाहारी हैं, तो मुझे आज शाकाहारी खाना एक्सप्लोर करना था, तो आइए देखते हैं क्या है केरल का शाकाहारी खाना। ये रसम है, अच्छा Can you explain this little bit? ये वेजिटेबल है और ये दाल और कैबेज, ये पाइनएप्पल, ये लेमन है, लेमन पिकल है। पाइनएप्पल भी आपके पास? नहीं, पाइनएप्पल आज नहीं है। अच्छा आज नहीं है? नहीं है, हम गलत दिन आए, सारी चीज़ें खत्म हो गया। विजय लक्ष्मी में हमारा अनुभव यह है कि यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें मांगी वो सब खत्म हो चुकी है और कुछ भी नहीं बचा है, जो बचा है वही खा रहे हैं, दोबारा आना पड़ेगा। अब लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ की थी कि ये बहुत अच्छी जगह है, अब खाना जैसे स्पीड से खत्म हो चुका है, हमें उम्मीद है कि अच्छी जगह ही है, तो हमें ट्राई करते हैं। चावल वाइज ड्राई जैसे अलग चावल है, यहाँ का चावल उत्तर भारत के चावल से बिल्कुल अलग है, खाने में भी, टेक्सचर में भी, और क्या बोलते हैं इस चावल को, सांभर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मीठा सांभर खाने के बाद, ये पायसम है जिसकी बड़ी तारीफ सुनी, जिसके बारे में बोला जाता है कि ये सिर्फ ओणम के टाइम पर जनरली मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, और हम जो स्पेशली केरल का खाना खाने आए थे वो रोज़ नहीं मिलता है, इन जगहों के मेन्यू रोज बदलते रहते हैं। घिसा हुआ नारियल, ताड़ का गुड़ और एकदम कैरमलाइज जो टेस्ट होता है। हिंदी में एक फिल्म है सौदागर, अमिताभ बच्चन वाली, अमिताभ बच्चन और नितिन भी फर्मा खन्ना जिसमें, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन गुड़ बेचने वाले सौदागर है, और इनकी जो पत्नी होती है वो खजूर का गुड़ बनाती है, और उसमें पद्मा खन्ना गाना गाती हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। बाद में अमिताभ बच्चन पद्मा खन्ना को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अच्छा गुड़ बनाना नहीं होता। बहरहाल उसी गुड़ से बना ये पायसम है। कैसा लगा पायसम? तो यही अच्छा लगा मुझे, और ये तो काफ़ी डिफरेंट है और टेस्टी भी है, बाकी तो रेगुलर खाने जैसा है। बाकी रेगुलर खाने जैसा, चावल जो नॉर्थ के साइड मिलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफ़ी 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 ज़्यादा, काफ़ी अलग टेक्सचर है, ये समझना पड़ेगा कौन सा चावल है। मेरा सांभर का टेस्ट इज स्पाइसी एंड चटपटा सा है, मीठा बिल्कुल ही नहीं है, जो आई थिंक हमारा टेस्ट रहता है। और बाकी सब्जियां तो काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, हम बटर मिल्क भी देख सकते हैं जो काफ़ी डिफरेंटली एकदम पतला सा, लोग मैंने देखा लोग ऐसे लेकर तो मिला के खा रहे थे। सिर्फ पायसम के लिए यहाँ पर आना कारगर, हम है नाम कहीं भी अवेल या जो बाकी फेमस चीज़ें जो अभी हैं नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, वो ठीक है ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पायसम इज समथिंग बट सांभर काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको मीठा सांभर नहीं पसंद है, चीनी या गुड़ मिला के मीठा बना दिया जाए, तो आपको ये सांभर बहुत अच्छा लगेगा। सांभर काफ़ी अच्छा था, चावल बिल्कुल अलग थे जैसे चावल हमने कभी नहीं खाए भारत में, और तब तीसरी ट्राई करते हैं। सूजी का हलवा जैसा होता है, उसी का पीला वर्जन, केसरी नाम है तो रंग से उसको आप जोड़ सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल टेस्ट है, मतलब हलवे को ही थोड़ा सा चेंज, सूजी के हलवे को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, दैट इज केसरी, तो उसमें वैसा नया नहीं, इंडियन के टुकड़े हैं इसके बीच, बढ़िया था। इनके पास तमाम वो नोट है जो यहाँ नहीं चलते हिंदुस्तान में, और इसमें 500 और 1000 का नोट भी है। कितना हुआ टोटल, कब आपके पास मिलेगा बाकी सारी चीज़ें? शाम को 4 बजे से ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद सुबह 7 बजे से होगा। शाम को क्या क्या मिलेगा? शाम को डोसा सब मिलेगा, डोसा में राइस का डोसा होगा, बूरी सब, और भटूरा होगा, भटूरा ठीक। दो लोगों ने पेट भर के,
गले तक पेट भर के खाना खाया, स्वादिष्ट खाना खाया, बिल हुआ 200 रुपये। अब ये इस स्टेट के लंबे समय तक कम्युनिस्ट रहने का असर है या ओवरऑल कोई और कारण पता नहीं, बट विजयलक्ष्मी के बाकी जाके तेज करने के बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या वहाँ पर खाया जा सकता, नहीं खाया जा सकता। मतलब 200 रुपए में आप एक्स्ट्रा सांभर लीजिए, एक्स्ट्रा राइस मांगिए, एक्स्ट्रा अचार मांगिए, कुछ भी मांगिए, 200 लोगों का डेजर्ट, एपेटाइजर भी है, रसम भी है उसमें, छाछ भी है, सो प्रॉपर एटलीस्ट 3 course meal। बहुत ही हाइजेनिक वे में, हाइजेनिक, टेस्टी, अनलिमिटेड सप्लाई, 100 रुपए पर हेड। तो इसलिए एक बार आपको विजयलक्ष्मी जरूर आना चाहिए। बाकी जो इनका आइटम है क्यों जल्दी खत्म हो जाता है अब समझ में आ गया कि अभी पॉकेट देख के नहीं खाता है कि हाफ प्लेट फुल प्लेट नहीं है भाई लेते आओ।